उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके टाइप को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द स्टेटमेंट हेड शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Dear students, financial statement से मुराद ऐसी statement जिससे हमें किसी भी business की financial performance और financial position का पता लगे एक मखसूस अरसे के दौरान, उसे हम financial statement का नाम देते हैं। Financial statement basically two types की हैं। Number one, income statement, a type of financial statement that shows the financial performance of the business during a particular time period is called income statement. Financial performance means net profit earned or net loss bear, which will be calculated from the difference between income and expenses. Dear students, income statement se murad aisi statement jisse hame kisi bhi business ki फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगे एक मखसूस अरसे के दौरान कि उस बिजनेस ने उस मखसूस अरसे में कितना मुनाफा कमाया या कितना नुकसान बर्दाश्त किया, उसे हम इनकम स्टेटमेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात हो रही है उसका मतलब नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस बियर्ड। जो बिजनेस है वो या तो मुनाफा कमाएगा या नुकसान बर्दाश्त करेगा। अब ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे हम मालूम करेंगे, उसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस। उस साल जो हमने आमदनी कमाई और उस आमदनी से उस साल जो हमने खर्चे किए, उसे हम क्या नाम देंगे, उसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, या नेट प्रॉफिट कहलाएगा या नेट लॉस कहलाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी बिजनेस बैलेंस शीट, अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट आफ्टर कंपेयरिंग देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो दूसरी टाइप है वो हमारी बैलेंस शीट है। ऐसी स्टेटमेंट जिससे हमें किसी भी बिजनेस की एक मखसूस तारीख को फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगे, उसके असासाजात और वाजिबात के दरमियान फर्क करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद कि उस बिजनेस की जो पोजीशन है वो इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैलेंस शीट का नाम देते हैं। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन भी कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम भी देते हैं। अब हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में किस वक्त पता लगेगा कि अगर उस बिजनेस के एसेट्स अगर ग्रेटर देन है लायबिलिटीज के, तो उसकी हमारी हम कहेंगे कि वो स्ट्रांग पोजीशन पे, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग है, वो मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। अगर उसके एसेट्स इज इक्वल टू है लायबिलिटीज के, तो उसे हम क्या नाम देंगे, सेटिस्फैक्ट्री का नाम देंगे। मुस्तकबिल में अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। अगर उसके एसेट्स लायबिलिटीज से कम है तो उसे हम वीक पोजीशन का नाम देंगे। अब ये एसेट्स से मुराद क्या है, यहाँ पर हमारा एसेट से मुराद है हाउ मच ऑन्स, कि हमने उन एसेट्स को इस्तेमाल कर कितना कमाया। और यहाँ पर जो हम लायबिलिटीज ले रहे हैं, लायबिलिटी से मुराद है हाउ मच ओ, कि उसको कमाने के लिए हमने कितना देना है। अगर आपने ज्यादा कमाया कम देना है स्ट्रांग पोजीशन, आपने जितना कमाया उतना देना है सेटिस्फैक्ट्री, आपने कमाया कम देना ज्यादा है, इसे हम पीक पोजीशन का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसकी टाइप पढ़ी। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 5 टाइप्स हैं, लेकिन जो 2
मेजर टाइप्स हैं वो यही दो, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट है। आगे इन दोनों स्टेटमेंट से बाकी तीन टाइप्स को जनरेट किया गया है, इसलिए हम बेसिक टू टाइप्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कहते हैं। आपको अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन हासिल हो। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ।